सेक्रेटरी की शहीद की गई मसाजिद व मंदिर की बाजियाबी के लिए तेलंगाना की सरजमीन पर एक एहतजाज की लहर चल रही है और हर खास व आम की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि सेक्रेटरी की मसाजिद को क्यों शहीद किया गया है और इन मसाजिद की शहादतों के पीछे क्या राज है। क्या मौजूदा हुक्मरान जमात अपनी जाफरानी आँखों के इशारे पर यह काम अंजाम दे रही है या फिर अकलियतों के खिलाफ कोई साजिश। इसी नाजुक मसले पर आज बुधन की सरजमीन पर TRS के दो कॉरपोरेटर्स मीर नजीर अली डब्बू वार्ड नंबर 23 और मोहम्मद इमरान रंजल बेस वार्ड नंबर 32 ने आज बुधन म्यूनसिपालिटी के दफ्तर पहुंचकर जबरदस्त एहतजाज किया और मस्जिद और मंदिर की दोबारा इसी मुकाम पर तामीर के लिए पुरजोर मुतालिबा किया और अभी तक यह एहतजाज दूसरे सियासी जमात और तंजीमों की जानिब से किया जा रहा था, लेकिन अब मौजूदा हुक्मरान जमात के कॉरपोरेटर्स ने अपनी मनसब की परवाह किए बगैर अपनी सियासी जमात की पॉलिसियों के खिलाफ मैदान में उतर कर सदाए हक बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये एहतजाज बुधन की सरजमीन से उठकर कहां कहां पहुंचता है और मौजूदा तेलंगाना की हुक्मरान जमात पर इन एहतजाजों का कितना असर होता है। एक बात तो वाज़े है कि इन मसाजिद की शहादतों की वजह से मौजूदा हुक्मरान जमात का एतमाद अकलियतों के दिलों से उठ चुका है और इसका असर आने वाले इंतखाबात में साफ दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं बोधन से हमारे नुमाइंदे सुफियान की रिपोर्ट।